उमरिया जिले के ग्राम पटपरा टोला में संचालित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। छात्रों का कहना है कि मैडम 26 तारीख से नहीं आई हैं, हम लोग खुद ही ताला खोलते हैं और बंद करते हैं। आज हमारे स्कूल में खाना नहीं बना है। हमारे स्कूल में दो मास्टर हैं, एक तो करीब 3 महीने से स्कूल नहीं आए हैं। ये वाली मैडम भी अभी 17 तारीख से नहीं आई हैं, इसके पहले 2 महीने नहीं आई थी। इस मामले में नरोजाबाद संकुल के संकुल प्राचार्य ने बताया कि इनके द्वारा कई बार ऐसा कृत्य किया जा चुका है। इन्हें कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस बार जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले की जानकारी दी जाएगी। और आप लोगों को खाना पीना मिला है? नहीं। खाना नहीं बना? नहीं। अब मैडम कब से नहीं आ रही हैं? 5 दिन से। मैडम कब से नहीं आया, क्या दिन हो गया? अनाथ शुक्रवार शनिचर नहीं आया, बता तो हम। कौन कौन दिन? शुक्रवार शनिचर से नहीं आई हैं? हाँ, 4 दिन आए। अब आज कब आता गई हैं? आज फोन कर रहे थी अम्मा, बच्चे आएंगे तो बैठा रखना, मैं 12 बजे हर महीना आऊंगा, खाता खुलवाना है लड़कन के स्कूल के। प्राथमिक शाला पटपरा टोला में दो शिक्षक पदस्थ हैं। इनमें से एक शिक्षक है रमेश कुमार गौटिया, प्राथमिक शिक्षक हैं। ये दिनांक 1/8/2021 से लगातार अनुपस्थित हैं। और दूसरी शिक्षिका हैं श्रीमती संगीता श्याम, ये दिनांक 8/9/21 से इनकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से ज्ञात हुई थी कि ये बीमार है। और ये 16/11/2021 तक जो है इन्होंने मेडिकल अवकाश के लिए आवेदन किया है, और 17/11/2021 को ये उपस्थित हो चुके हैं। अभी मैं दिखवा लेता हूँ कि अभी विद्यालय क्यों वहाँ पर शिक्षक उपस्थित नहीं है। जब भी शिक्षक या तो अवकाश में रहते हैं या किसी कारण से ये दोनों शिक्षक कुछ इस तरह के हैं कि सूचना बिना दिए भी ये अनुपस्थित रहे हैं, और इसलिए इनका पेमेंट भी रोक दिया गया है और वरिष्ठ कार्यालय को इसकी सूचना दे दी गई है। अभी आज की जो जानकारी आपके द्वारा दी गई है, मैंने अभी दूरभाष पर नियरेस्ट जो विद्यालय है हमारा माध्यमिक शाला पटपरा, वहाँ को सूचित किया है कि आप वहाँ एक शिक्षक को भेज करके और विद्यालय का संचालन कराएं और वस्तु स्थिति से अवगत कराएं कि क्यों विद्यालय बंद है, और वो शिक्षिका जो उपस्थित हो गई थी 17/11/2021 को, वो आज क्यों नहीं है।